हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस फ्रेश वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। पर मैं ये बता दूं कि ये फ्रेश वीडियो नहीं है, ये आपका जो प्रीवियस वीडियो आया था ये उसका ही पार्ट है। मैं उसमें बताया था कि टॉप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, पर कुछ टेक्निकल इशू के वजह से वो 2 ही क्वेश्चन हो पाया है और 1 मैंने किए और मैं आपको एक होमवर्क में दिया था जो कि उसका प्राइस क्या था, 5 रुपीज़ का प्राइस था। चलिए आज हम जो बचे थे 3 क्वेश्चन हम उसको आज कर लेंगे। चलिए करते हैं। ए वेंडर सेल्स लेमन्स एट द रेट ऑफ 5 for 14 rupees, गेनिंग देयर बाय 40%। फॉर हाउ मच डिड ही बाय ए डजन लेमन। देखो, एक वेंडर है वो लेमन को सेल किया कितने में, रेट ऑफ 5 को 14 रुपीज़ में सेल किया और उसका गेन कितना हुआ, 40% का उसको गेन हुआ। तो देखो कैसे करेंगे इस नंबर को। देखो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन, एसपी ऑफ 1 लेमन कितना आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा। इसी तरह लेट सीपी हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा ले लो 1 लेमन का कितना, एक्स ले लो। तो आपका क्वेश्चन में पूछा है क्या, देखो 40% उसको गेन हो रहा है तो सीपी हमारा क्या है, एक्स है, तो 40% गेन हो रहा है। मैं आपको बताया था कि गेन होने से क्या होता है, 100 में से हम 40 को ऐड कर देंगे। देखो सी पी हमारा है एक्स और गेन हो रहा है कितना, 40%, और उसको सेलिंग प्राइस कितना है, 14/5 है, तो इसी इसको काट लो। तो ये कितना आ गए, 5 2 जा, यानी आंसर कितना आ गया, एक्स इजिकल टू, देखो एक्स हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, यानी हमारा सीपी कितना आ गया, 2 रुपीज़ आ गया। तो 1 लेमन का 2 रुपये आ गया, तो डजन कितना होता है, 12 होता है, यानी 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। मीना परचेज 2 फैंस ईच एट 1200 रुपीज। सी सोल्ड 1 फैन एट द लॉस ऑफ 5% एंड अदर एट द गेन ऑफ 10%। फाइंड टोटल गेन और लॉस परसेंट। ये स्मार्ट बोर्ड आपको किसे लगा, आप प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो आपको यहाँ पे दिया है कितना, मिन्ना परचेस, मिन्ना बाय किया कितना, 2 फैंस, 2 फैंस वो खरीदा है कितने रुपए में, 1200 रुपये में, यानी 2 फैन वो क्या क्या परचेज किया, यानी एक का मूल्य कितना है, 1200 रुपये, तो दोनों का टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी उसका कितना हो जाएगा, 2 × 1200 कितना हो गया, 2400 हो गया। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि वो उसका जो पहला फैन था उसमें उसका 5% का लॉस हो रहा है और दूसरे में उसका 10% का गेन हो रहा है। देखो पहले में, यानी पहले में उसका सेलिंग प्राइस में 5% का लॉस हो रहा है, 5% यानी 9500, सेलिंग प्राइस कितना है, 1200, कितना आ गया, 1140 आ गया है। दूसरे में उसको क्या हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। मैंने बताया था 100 में से 10 को ऐड कर दो, यानी 110/100
इंटू कितना 1200, कितना आ गया 1320 आ गया। तो उसका टोटल एसपी कितना आ गया, पहले उसका आया था कितना 1140 आया था और दूसरे पे 1320 आया था, तो उसका टोटल एसपी कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 2460 आ जाएगा। तो उसका टोटल एसपी कितना आ गया 2460, इसका टोटल एसपी आ गया। तो गेन उसका कितना हुआ है किसे जानेंगे, एसपी में से हम क्या करेंगे सीपी को माइनस कर देंगे। देखो गेन हमारा कितना हो रहा है, टोटल एसपी हमारा कितना है 2460 है और सीपी कितना है 2400, तो गेन कितना का हुआ 60 रुपये का उसको गेन हुआ। तो गेन परसेंट हम हमारा निकलेंगे यहाँ पे, देखो गेन परसेंट हमारा किस पे निकलता है सीपी पे निकलता है, तो उसको परसेंटेज गेन हुआ कितना, कितना गेन हुआ 60, किस पे निकलेंगे सीपी पे, सीपी कितना है 2400 इंटू 100, तो क्या गया 2.5% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन सी पर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 4% इज 3 रुपीज, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल शुड बी। देखो आपको पूछा है कि एक आर्टिकल था उसको आपने बेचा, एक को 6% प्रॉफिट में बेचा और एक को 4% प्रॉफिट में बेचा, उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो इसका आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। देखो आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखो आपका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है, यानी आपका पहली सेलिंग कितना था, आपका यहाँ पे सीपी ले लो एक्स को ले लो कितना है 1 से, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि आपका दिया रखा है कितना 3 आपको दिया रखा है, तो इसको कर लो तो क्या जाएगा 2x/100 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे x आपका कितना आ जाएगा 300/2 यानी कितना आ गया 150 rupees आ गया। तो इस मेथड से आपका 150 आ गया। और एक दूसरी मेथड देखते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखो आपका दिया है कितना, यानी 6% और 4% इनका डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है, यानी 2% का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 होगा ना, तो दो में से कितने मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा 50, यानी यहाँ पे 50 को मल्टीप्लाई कर लो, जब यहाँ पे आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड पे भी करोगे तो 50 का भी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150, यानी सीपी आपका कितना आ जाएगा 150 rupees आ जाएगा। तो मैंने तो हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट रखा है इस संडे में, इसको आप ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।